लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्यों रहा है? क्या है ये सब? अंकल, इसका तरीका सही नहीं है। इसने क्या किया पता है आपको? क्या लिप्स है यार, भी कमाल है। क्या फेस है यार, सुपर। यार ऐसी लड़की आज तक मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ क्या कर रही हैं? अच्छा, आप मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ। एक छोटी सी हेल्प करेंगे क्या? या श्योर। पास में ही एक फ्रेंड का घर है, ड्रॉप कर देंगे। हाँ आइए ना प्लीज। लेकिन दोनों पैर उधर करके बैठिएगा। जैसी आपकी मर्जी, जैसे आप कंफर्ट हो बैठिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thank you.
थैंक यू, बाय। सुनिए। हाँ? आप अपना फोन नंबर देंगे क्या प्लीज? हाय, कौन? वो सुबह नंबर लिया था ना मैंने आपका। बोलिए। मिले क्या? मिलते हैं। कब? जब टाइम आएगा तब। मेरे फ्रेंड का रूम खाली है। तो क्या? तो वो मतलब क्या? वो मतलब वो लव। चीची, वो सब मैं क्यों करूं? तो फिर मतलब वो प्यार नहीं है? नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, आपके लिप्स बहुत प्यारे हैं, आपकी बॉडी। इसको अर्जेंट भेजना इतना जरूरी है क्या? अगर ये यहाँ रहेगा ना तो पूरे शहर में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। क्यों? क्यों ऐसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये अब छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। हाँ, सब लोग ये बोलते तो रहते हैं लेकिन बड़ों का काम नहीं करने देते। मुंह बंद कर। अरे बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ बस स्टॉप तक आती हूँ। रहने दो मम्मी, लेट हो गया हूँ अभी मैं, मुझे जाना है। ठीक है बेटा, रखना, अपना ख्याल रखना। हाँ, संभल कर जाना बेटा। तुम भी कोई कम नहीं हो। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ बोल। अरे सुन लो भाई, मैं उतर गया हूँ, हैंगओवर भी उतर गया, अर्जेंटली पीनी है मुझे। हाँ पियेंगे पियेंगे। अब गधे की तरह मत खा। कोई देख तो नहीं रहा ना, हल्का हो जाता। अरे बाप रे भाई, आ गया क्या? आ गया हूँ, तू जल्दी आना यार। भाई सुबह सुबह दारू पीना ठीक नहीं होगा भाई। तो फिर क्या रात में पियेंगे? ठीक है रात में ही पीते हैं। क्या यार, तेरा दिन रात सब एक जैसा ही होता है। मैं बस पहुंच रहा हूँ। बस से उतरकर तुझे कितनी देर हो गई, कभी सुधरेगा नहीं ना। चल अब अंदर चल। स्वीटी, आप इधर ही रहने वाले हैं क्या? हाँ हाँ, मैं यहीं रहूंगा। अच्छा ये बताओ, डैडी कहाँ है तुम्हारे? डैडी अंदर पूजा कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। हे भगवान, सब आप ही संभाल लेना, सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। भगवान मेरी रक्षा करना, कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु, मेरी गलती को क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। आरती दीजिए प्रभु। क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह आए हो? हाँ। गांव में सब कैसे हैं? वो लोग तो बहुत अच्छे हैं। आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? आजकल आप बहुत ज्यादा ही पूजा पाठ करने लग गए हैं। आज से पहले यहाँ पे इतना पूजा पाठ करते आपको पहले कभी नहीं देखा। तू देखेगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरी श्रद्धा है। भगवान को इन सब की जरूरत नहीं है, ये तो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। इस घर में पूजा पाठ सुख शांति के लिए होती है। ले इसे कान में लगा ले। चला जा, नाश्ता करते हैं। गाँव का क्या हाल चाल है? आ जाइए आ जाइए, आप भी साथ में ही खा लीजिए। हाँ हाँ, ये भी करना होता है, पता है मुझे। मुझे तो बाहर जाना है, तुझे तो कोई काम धंधा है नहीं, चल फ्रेश हो जा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो इनका ही राज चलेगा। अरे बैठ कर नाश्ता कर लीजिए ना। आजा, इडली खाएगा ना? हाँ। बैठ जा। अच्छा दीदी, पड़ोस में रेनू नाम की एक लड़की रहती थी ना, सुबह से दिखाई नहीं दी वो। वो लोग दूसरे गांव चले गए हैं,
तू अपना पूरा ध्यान अपनी जॉब पर लगा। खा। यार चाहे कुछ भी हो जाए हमारी दोस्ती ऐसी ही बनी रहेगी। हाँ बनी रहेगी भाई, बचपन की दोस्ती है ऐसे ही चलती रहेगी। क्यों प्रसाद क्या फालतू में खाली बैठे हो, चलो क्रिकेट खेलते हैं। अरे धूप में क्या खेलेंगे यार, पहले पेट भर के खाना खाते हैं, फुल टाइट होके आराम से खेलेंगे। ए अपना नाटक बंद कर बे, चल खेलते हैं। मैच किसके साथ है? राड़ा भाई के साथ। क्या बात कर रहा है, चला जा। अबे अरे कहाँ फंसा दिया। अरे हट जा सामने से, हट हट। अरे क्या हो गया इसको? ये सतीश है यार, ये नया नया डायरेक्टर बना है, हमें डराने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ये सामने से हट जा, मेरे तेरा कैमरा मैं तोड़ दूंगा, हट जा, लात मारूंगा, हट। क्या बोल रहा है ये? ए, ए, हट। अगर तू क्रिकेट खेल रहा है ना तो क्रिकेट के बारे में पता होना चाहिए, ना कि इसके और इसके खानदान के बारे में। हद करता है। मैं तुझे राणा के बारे में कुछ नहीं पता है। चल खेल, चला जा। कहाँ फंसाने वाला है? चल। शाबाश शाबाश, चले आओ, आजा 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 आजा। ये तू सामने से हटता नहीं, तेरा कैमरा तोड़ू मैं, हट जा। अरे यार वैसी टेंशन हो रही, तू हट जा यार। ए ए तू उधर जाके फील्डिंग कर, चल जा जा, नहीं तो कैमरा तोड़ दूंगा। ए तुम लोगों की फील्डिंग है? क्यों टॉस नहीं होगा क्या? राणा के साथ मैच खेलोगे तो फील्डिंग करनी पड़ती है, टॉस नहीं होता। चलो रेडी हो जा, ठीक है ना? ये ले बॉलिंग कर। ए तू बॉलिंग कर, जाके बॉलिंग कर। मैं नहीं कर रहा, मैं तो कीपिंग करूंगा। मैं नहीं यार, जा बाउंड्री में जा, जाके फील्डिंग कर तू। इसकी आज वाट लगेगी। अरे उसे बोल भाई बाइक वहां लगा दो ना प्लीज, बाइक वहां लगा दो भाई। मम्मी ए जाना, इस बेड से 6 इस बेड से 4 लगता है। हाँ ठीक है, चलो रेडी रेडी। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ पहली बॉल पे छक्का मारेगा, अब क्या हो गया, सारी फील्डिंग को चेक कर रहे हैं क्या? क्या कर रहा है ये? ज्यादा ही एटीट्यूड है। तो यहाँ क्या कर रहा है? थोड़ा दूर से करता हूँ, ठीक है ना? ओके तो जा पीछे जाना। हाँ जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। नहीं नहीं स्लो डालना, स्लो 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 फेंकना। अरे वो अरे मर गए। यस चल हट यहाँ से। ए, कौन है रे तू? यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ से आ रहे तू? अरे नहीं भाई, कहाँ से आ रहे? भाई भाई अरे छोड़ दीजिए भाई, मेरे को आउट करेगा। अरे भाई इसको कुछ पता नहीं है, तूने नो बॉल फेंकी है यार, आउट कैसे होगा, पागल है क्या? बीच में मत बोल इसके लिए, लेके जा इसे। अरे क्या कर रहा है इसको, दोबारा यहाँ पे भेजा इसको। अरे यार कर दिया तूने, वो समझ जाएगा। अबे अगर देखा ना तो काट के रख दूंगा तुझे मैं। हाँ भाई को जानता नहीं है क्या? चल यार बच गए। उसे डर क्यों रहा है? हाँ अबे तेरे को कुछ पता नहीं है, उस पे कुत्ते ने भौंका तो उसने कुत्ते का सर काट दिया था, उसके मनपसंद रंग की किसी ने शर्ट नहीं पहनी तो उसने उसकी शर्ट चला दी, ये सब जेल के अंदर है कि किया था उसने, जेल से छूटने के बाद पता नहीं क्या क्या कर देगा वो। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चल यार जीजा जी को बताते हैं। अरे उन्हें मत बताना, अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो मुझे घर वापस भेज देंगे। और तेरी कॉलोनी में सिर्फ लड़के ही लड़के हैं क्या? लड़कियां नहीं है, एक भी लड़की अभी तक दिखाई नहीं दी यार। तू कोई बहुत बड़ा हैंडसम हंक है क्या, जो लड़कियां तेरे पास आ जाएंगी? बकवास करता है यार, इस टेंशन को भगाने के लिए हमें दारू पीनी पड़ेगी। हाँ यही बेटर, सुन ना यार चल के हल्की हल्की मार लेते हैं। चल यार चला जा, चल अब सब अपनी अपनी बियर का पैसा देंगे, समझ गया? चल मुझे चला, चल बे बुज्जी आ जा। क्यों रे, सुना तूने राणा बाबू से झगड़ा कर लिया? अरे बाप रे, लगता है उसने सब कुछ पक दिया है, फंस गया यार। अरे वो तुम्हारा दोस्त है ना जो हर वक्त टेंशन में रहता है, क्या नाम है उसका? बुज्जी। हाँ उसी ने बताया मुझे। वैसे तुझे क्या जरूरत थी उलझने की, उससे तो उसका बाप भी पंगा नहीं लेता है। जीजा जी मैंने कहाँ झगड़ा किया, बॉल डाली वो आउट हो गया, आउट हो गया तो मेरी क्या गलती? गलती तो तेरी ही है ना, गाँव से आने के बाद भी तू सिर्फ खेल कूद की ही बातें कर रहा है, गलती तेरी ही है। एक काम कर, जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक स्वीटी को स्कूल छोड़ने और लाने का काम तेरा है, एटलीस्ट इसी बहाने तू घर पर तो रहेगा। मम्मी इसका मतलब ये है कि मैं रोज स्कूल चल के जाऊंगी?
नहीं बेटा, मामा जी ना तुझे कंधे पर उठाकर ले जाएंगे अब से, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मजा आएगा। ये लो। क्यों रे, तुम्हारे लिए ओके है ना? आप टेंशन मत लीजिए, आपकी ऑटो की फीस ही बच जाएगी। तुम इसे जल्दी से छोड़ के आ जाना, बहुत दिमाग खाती है। हे, आराम से बैठो ना। मामा जी मैं फिसल रही हूँ, ठीक से पकड़ो ना मुझे। थोड़ी दूर तो चल सकती हो ना बेटा। माँ ने मना किया है चलने के लिए। मम्मी ने तो मुझे फोन देने के लिए भी मना किया था, मैंने दिया ना। थोड़ी दूर चल लो। आप बैड बॉय हैं, मम्मी की बात नहीं सुनते। मैं गुड गर्ल हूँ, मम्मी जो कहती है सुनती हूँ, इसलिए नहीं उतरूंगी। बहुत बिगड़ गई हो तुम, चलो जाओ। बाय। आराम से जाना, गिरना नहीं। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो भैया? बस एक मिनट भैया, मैं जाके तुरंत आ जाऊंगा। बाहर जाओ, बाहर जाओ, प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है, बाहर जाओ, बाहर जाओ। क्या बात है यार, कमाल है, बहुत खूबसूरत स्कूल हमारा। नहीं, फील। अच्छा भैया, स्कूल कब खत्म होता है? 3:30 पे खत्म होता है। भैया एक सिगरेट देना, मैच बॉक्स, एक चाय भी। भैया एक बिस्किट। अरे भाई रुको, बताओ कहाँ जा रहे हो? वो क्या है कि मेरी भांजी अंदर है, छुट्टी होने के बाद उसे ले जाऊंगा ना। अरे उसके लिए अभी टाइम है भाई। कोई बात नहीं, मेरे पास ही कौन सा बहुत काम है। ऐसी बात है क्या? हेलो एंजल कौन है? यह हमारे स्कूल की म्यूजिक टीचर है। लेकिन ये इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? इनका क्लास खत्म हुआ तो चली गई। ओह। म्यूजिक टीचर, सारे गा मा पा। घर कहाँ है इसका? ऐसी गाना चाहिए। मेरी गुरु दक्षिणा कहाँ है? ये देखो, तुझे जो पसंद है इडली सांभर वड़ा तैयार है, ठीक है? तो मैं खा लूंगी। जा पहले रेडी हो जा। ठीक है। जिससे तू डर रहा है उससे डरना जरूरी नहीं है। अरे छोटी सी बात से तू डर रहा है, वो प्यार है कि डर है? पापा, मुझे 2,00,000 रुपए चाहिए। इतने पैसे किस लिए? ए, गेट खोल दे। नोट बदलने जितना आसान नहीं है इसका बदलना। माँ बाय। बाय बेटा, संभल कर जाना।
क्या है, स्कूल जाना है ना? मैं आ गया हूँ ना, थोड़ी देर रुक के जाना। बोलो आंटी। बैठो बेटा, पानी लेकर आती हूँ। अरे बैठो, पानी बचा के रखो आंटी। और क्या है ना कि पांव धोने के काम आएंगे। और वो जो अंकल ने बैंक से लोन लिया था ना, मैंने वहाँ के मैनेजर से बात कर लिया है। आप जाइए और सारे पैसे भर करके पेपर्स लेकर के वापस आ जाइए। इतने पैसे एक साथ नहीं भर सकते बेटा। पैसा मैं दूंगा आंटी। कोई शर्त नहीं है, हम लोन खुद ही भर लेंगे। कल तुमसे शादी कर लूंगा तो हम और तुम एक हो जाएंगे ना। माँ बाय, मैं जा रही हूँ। आपकी बेटी कितनी खुशकिस्मत है, मेरा दिल आ गया उसके ऊपर राना का। मेरी पसंद उसे कभी पसंद नहीं आती है। अरे उसे पसंद नहीं है तो छोड़ देंगी। अरे उसे समझाइए ना। ऐसी पार्टी मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अगर तुम ये सब करोगी तो मैं आगे से नहीं आऊंगी। मेरी तरह एंजॉय करने नहीं आता, और तो और मुझे देखकर भी कुछ नहीं सीखती। करो करो, कैब बुक करो। कर रही हूं ना, पर हो ही नहीं रहा है। वहां पर देखो, कोई आ रहा है वहां से। स्टॉप 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 स्टॉप। बताओ कैसी लगी मैं, पसंद आई क्या? तू अपना मुंह बंद रख, छोड़ो ना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली हमें कोई कैब नहीं मिल रही। और इसने हमें आगे तक छोड़ देगा क्या? चल चुप कर ना। अरे ये क्या बोल, प्लीज थोड़ी हेल्प कर दीजिए, हमें ड्रॉप कर सकते हैं क्या? अरे करेगा ही। सुन यार, सॉरी, इन्हें छोड़ के आ जा। सॉरी, बैठो। लग रहा है मैं हवा में हूँ, लग रहा है हवा की परी उड़ रही हूँ मैं। ला 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 ला, हवा में उड़ूं मैं एक परी की तरह। घर आने वाला है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यहीं पर यहीं पर यहीं रुक जाओ, आराम से। थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच हमें ड्रॉप करने के लिए, और सॉरी भी। मेरी फ्रेंड ने आपसे इस तरह बर्ताव किया। अरे ये सब मैंने आपके लिए नहीं किया है, अपने लिए किया है। मेरा मतलब, अगर कोई भी लड़की इस हालत में होती तो मैं उसकी मदद करता। एक्सक्यूज मी, वो आपकी जो फ्रेंड है ना, उसके साथ जो लड़की थी, उसका नाम बता सकती हैं? ओह, मेरी फ्रेंड के साथ जो लड़की थी उसका नाम है वीणा। वीणा, बाय। सुनिए, आपकी फ्रेंड ने जिस लड़के को डांटा था उसका नाम नंदू है। अकेले पीते रहोगे तो उल्टे सीधे ख्याल आते रहेंगे, दोनों अगर साथ सिगरेट पियेंगे तो खर्चा भी कम होगा और दिमाग में टेंशन भी कम रहेगा। अरे नंदू, लड़कियां आसानी से नहीं पटती। अरे उसने सॉरी बोला। सॉरी का मतलब पटना होता है, लड़कियां साड़ी पर फिदा होती हैं, लेकिन मुझे लगता है ये लड़की साड़ी से भी नहीं पटने वाली है। ऑलरेडी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रेडी है, हरी झंडी देखते ही आगे बढ़ जाएगी। रेड झंडा है ना, पता है वो कौन है? राणा बाबू। वो राणा बाबू की मंगेतर है यार। ऐसा क्या? अरे मेरे भाई, ड्रॉप हो जा तू, ड्रॉप हो जा। अब तो हो ही नहीं सकता ये, अब तो मैं उसे पटा के ही रहूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, मेरे दोस्त लोग कहाँ हैं? वो प्रसाद तो लड़की देखने गया है, और सतीश शॉर्ट फिल्म देखने गया है। उसकी शॉर्ट उसकी फिल्म कहाँ रखना है ये मैं बताऊंगा। अरे मुझे पता है, कैमरा चालू करने का और उसको रख देने का। अरे भैया भैया सुनिए ना जरा, ये बताइए कि प्रिंसिपल रूम कहाँ पर है? प्रिंसिपल चाहिए कि रूम चाहिए? दिमाग तो ठीक है ना। तो चुप रहे, उनसे ही मिलना है। यही कहीं होंगे, जाके देख लो। अच्छा उधर चल के देखते हैं। पूरा पागल है।
गुड मॉर्निंग सर। तुम जैसे बड़े बच्चों के लिए सीट नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। अरे नहीं नहीं सर, हम इसी कॉलोनी में रहते हैं। तुम लोग को जो भी करना है करो ना। नहीं सर, वो अच्छा, हाँ सुनो, गणपति आने वाली है, तुम लोग कहीं चंदा लेने तो नहीं आए हो ना? चंदा वगैरह नहीं मिलेगा, जाओ निकलो यहाँ से, डोंट डिस्टर्ब मी। मेरी बात सुनिए सर, शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए आए हैं। क्या 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 क्या? शॉर्ट फिल्म बोल रहा है तो बुरा फील कर रहे हैं, समझा ना? सुनिए ना सर, हमें एक लघु चलचित्र बनाना है। लघु चित्र? अच्छा लघु चित्र है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रिंसिपलों का प्रिंसिपल हूँ। ये स्कूल मंदिर है, तुम मंदिर के बारे में क्या सोचते हो? मंदिर सर? मेरे लिए ये स्कूल नहीं बल्कि एक मंदिर है। वहाँ पे देख रहे हो वो जो आ रही है, अमृता है, शी इज इंग्लिश टीचर, इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। वो जिस तरह से चलती हुई आ रही है ऐसा लगता है जैसे ABCD चलती हुई आ रही है। सही कहा सर, SEXYZ भी चलता हुआ आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तुझे भी इंग्लिश आने लगी है क्या? परमिशन दे देंगे ना सर? नहीं देंगे क्या? EFG क्या करें यार? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज स्टॉप। इधर क्या देख रहा है, उधर देखना। वो है सावित्री देवी, हिंदी की टीचर। उनको देखो ध्यान से, उनको देखकर बिल्कुल नहीं लगता है ना कि वो हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाती होंगी। और वो म्यूजिक टीचर वो भी है, उनका नाम है वीरा। जब वो चलती हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती चल करके आ रही हैं। जो भी बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप को बहुत कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस नहीं सर, कॉन्फिडेंस। हाँ कॉन्फिडेंस, नॉनसेंस, न्यूसेंस सब एक ही मतलब होता है भाई, तुम लोग समझ गए ना। हमारे स्टाफ के अंदर मैटरनिटी होता है। मैटरनिटी नहीं सर, मैच्योरिटी। यस यस, यहाँ के वातावरण में सीनियोरिटी और लेमन टी होती है। सीनियोरिटी और सिंसियरिटी तो पता है सर, ये लेमन टी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वही निष्ठा। ओह लॉयल्टी। यस लॉयल्टी, लॉयल्टी। तो ये कंडीशन है स्कूल की, और तुम शूटिंग करना चाहते हो? नो, नेवर। ये सही बोला ना मैंने? कंडीशन नहीं सर, वो हमारा कल्चर है। अरे एक ही बात है, एवरीथिंग इज इक्वल। ऐसे पवित्र स्थान पे तुम शूटिंग करने के लिए सोच रहे हो? इसके पहले मेरी आंखों में खून उतरे और हाथों में हथियार आए, तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। सर थोड़ा आगे आइए, कैमरे के सामने आइए सर। क्या एक्टिंग है! मैंने कहा ना मेरी आंखों में ज्वाला और हाथों में हथियार आने से पहले तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। क्या बात है! ऐसे नहीं सर, थोड़ा और एनर्जी, इमोशन बढ़ाइए सर, तब मजा आएगा। निकल के आना चाहिए, कम ऑन। मेरी आंखों में ज्वाला, हाथों में हथियार आने से पहले तुम सब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। क्या डायलॉग बोला है सर आपने! हमारी शॉर्ट फिल्म में फादर का कैरेक्टर आप ही करेंगे क्या? एक बात पक्की है, नेशनल अवार्ड आपको ही मिलेगा। क्या एक्टिंग की है सर आपने! सुपर। अरे माय और एक्टिंग, नो 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 नो। देखिए सर, आपकी एक्टिंग से पसीना आ गया, कमाल है। आप जैसा आर्टिस्ट मिलना मुश्किल है, बस परमिशन दे दीजिए सर। सर ने दे दी, चलते हैं। रुको, हो गया। शूटिंग हमारे स्कूल में ही होगी, बढ़िया। परमिशन ग्रांटेड। टीचर, इन योर क्लासरूम चिल्ड्रंस आर गोट्स, उनका कोटेशन तैयार करो। गोट्स नहीं सर, गॉड्स। ये इंग्लिश पल्ले नहीं पढ़ने वाली है। यार कल शॉर्ट फिल्म बनाकर, लड़की का वीडियो बनाकर, उसको दिखाकर इम्प्रेस करना, तेरा यही प्लान है ना? अरे चुप रे, इन सब के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, वो तो ऑलरेडी मुझ पे थोड़ी सी फिदा है। बस मुझे ये देखना है कि वो ट्रैक पे है या नहीं, उसके लिए एक टेस्ट लेना है। तुम लोग कल प्रिंसिपल का मेकअप कर डालो। समझो कि हो गया। मतलब मेकअप? मेकअप हो गया, मिरर दिखाओ। अरे ये क्या, ये किसकी शक्ल है? आपकी है। ये क्या कर दिया तुमने, ऐसा लग रहा है जैसे दीवार पर चूना पोत दिया गया हो। अरे वो क्या, ये रोल काफी वाइट है ना, इसीलिए वाइट वाइट कलर। हाँ? ये लीजिए, अब अच्छे लग रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा डायलॉग किधर है? डायलॉग नहीं है सर, एक्चुअली कैरेक्टर जो है वो गूंगा है सर। क्या कहा, मूक कैरेक्टर है? मेरा सिलेक्शन तो तुमने इतना बड़ा डायलॉग बुलवा करके किया था। अरे सर आपने एक्टिंग इतनी अच्छी करी इसलिए मैंने डायलॉग हटा दिया, सिर्फ आपकी एक्टिंग दिखाई देनी चाहिए। अच्छा ये बताओ कि सीन क्या है? सीन जो है सर वो
सर ऐसा है कि आपको आपकी बेटी पसंद नहीं करती है। रात को आप पी कर आते हैं, बेटी को उठाते हैं और बोलते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। ये तो सुनने में लग रहा है कि जैसे किसी भिखारी का डाला गया। इसके लिए आपको अवार्ड मिलेगा सर। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। और लगाता हूँ सर आपको, और लगा इसको, बहुत ओवर एक्टिंग करता है। अरे बाप रे, क्या एक्सप्रेशन है सर आपके, बिजली गिरा दी आपने तो। सर बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। अरे मुंह से बोलो ना, अभी शूटिंग शुरू नहीं हुई है। दरअसल बात यह है सर, गाना गाने के लिए एक अच्छी सी टीचर चाहिए सर। तो सावित्री देवी को बुला लो। ची 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 ची। अरे रे रे रे, ये म्यूजिकल ड्रामा है सर। तो तुमको वीणा, डफली, बांसुरी, हारमोनियम सब कुछ चाहिए क्या? वो सब नहीं सर, म्यूजिक है ना सर, इसलिए एक अच्छी टीचर चाहिए हमें। तो हमारी वीणा है ना? थैंक यू सर। वीणा, वीणा, वीणा। अरे रुको, वो लड़की करेगी नहीं। अरे वो मैनेज कर लेगा सर, आप तो इसमें रहिए, मेरे को अच्छा नहीं है। सुना है कि इस महीने हमारी सैलरी बढ़ाने वाले हैं। म्यूजिक टीचर किधर है? शूटिंग में एक कैरेक्टर निकला है जो उन्हें करना है। ओ, कैरेक्टर है तो मैं करूंगी। हमको आंटी नहीं चाहिए, लड़की चाहिए। म्यूजिक टीचर कहाँ है ये बताइए। ओहो, लड़की चाहिए ना, देख लो वो आ रही है, पीछे देखो। ये सब क्या हो रहा है? ये सब शूटिंग है। शूटिंग? हाँ, हमारे प्रिंसिपल सर ही मेन कैरेक्टर हैं। और पता है मैडम आपको, प्रिंसिपल ने बोला है कि म्यूजिक टीचर का रोल आपको करना है। कैमरा रेडी है, आप चलिए ना। नो 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 नो, एक्टिंग मैं नहीं कर सकती। एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बस वहां खड़े रहना है। ओके, रेडी? अरे वो इतना पूछ रहा है तो ट्राई करो ना एक बार, एक्टिंग ही तो है ना, ट्राई करके देखो। अरे कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। राइट में देखेंगे तो बच्चे हैं, लेफ्ट में देखेंगे तो फादर। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप राइट चूज करें या लेफ्ट चूज करें। फिर नीचे देखे तो आपकी कमर बहुत अच्छी है। समझ में आया ना? अरे डरिए मत, आप कर लेंगी आप, बहुत ही सिंपल है। राइट में देखिए, लेफ्ट में देखिए और फिर अपनी कमर को। सच में कमाल है, समझ में आ गया ना? फिर से बताऊं क्या मैं आपको? राइट में देखेंगी तो बच्चे। रहने दो, रहने दो, मैं समझ गई, मैं कर लूंगी। ओके, ठीक है। एक बात और, जब आप सीढ़ी उतरेंगी ना तो आराम से उतरिएगा, वैसे भी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, दिल करता है ऐसे कमर को पकड़ के पास जाके। सॉरी मैडम। ओके ओके, समझ में आ गया ना? हाँ, ओके। वैसे जो मैं करना चाह रहा था मैंने कर लिया है। अरे क्या भाई, मैंने सोचा था मैं एक दिन डायरेक्टर बनूंगा और तुम हो कि मुझे कैमरामैन बनाने पे तुले हो। अबे कौन सी हम बाहुबली बना रहे हैं जो तू उसका डायरेक्टर बना फिर रहा है, बैकअप करना। बैकअप हो गया, लेकिन मेरी शूटिंग, शूटिंग, शूटिंग। क्या है, क्या है? थोड़ा सा लेफ्ट देखिए, थोड़ा सा राइट देखिए, फिर नीचे देखिए। आपकी कमर बहुत अच्छी है। क्या सच में मेरी कमर इतनी अच्छी है? हाँ, उसके कहने के बाद मुझे भी अच्छी लग रही है। पर मेरी कमर अच्छी है ऐसा कहने वाला वो कौन है? और मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? क्यों?
कौन है तू? क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहा है? अरे बात क्या, आखिर मैंने किया क्या है? तेरे कुछ करने का हम इंतजार करेंगे क्या रे? भाग यहाँ से, चल। अरे तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ये वो बोल करके कहानियाँ मत सुना, चल निकल जा यहाँ से। अरे क्या हुआ, छोड़ दो ना उसको, ये सब मत करो। आंटी आपको पता नहीं है? अरे आंटी, मैं तो सिर्फ फोन पे बात कर रहा था। अरे बेटा चले जाओ ना यहाँ से, चलो जाओ। बोला ना गाड़ी निकाल यहाँ से, चल। अरे बेटा मैं कह रही हूँ ना, मतलब क्या कर रहा है, बिना मतलब का झगड़ा करता है, तू जा। अगर दोबारा देखा तो जान से मार दूंगा। अभी तू जानता नहीं है मुझे, फालतू में लड़के यहाँ घूमते रहते हैं। अरे घर पे जवान लड़की है। वीणा, कल मेरा बर्थडे है, तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ मैं। कल हम मंदिर जाएंगे, सुबह ही आ जाऊंगा, आप सब रेडी रहना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मुझे ये नहीं चाहिए। बेटा अभी ये सब कुछ क्यों? आंटी आप चुप रहिए। अरे बेटा उसको ये सब पसंद नहीं है ना। उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है ये आपको समझना चाहिए ना आंटी। मैंने कह दिया ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बार बार मुझे परेशान मत करो। ठीक है मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अब आप ही से समझाइए, ठीक है? जितनी जल्दी समझ जाए बेहतर होगा। बेटी ले लो इसे। इसे आप ही रख लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और वो हम पर इसे रोप क्यों झाड़ता है माँ? आप कुछ कहती क्यों नहीं उसे? बेटा वो जिद्दी है, उसके मुंह पर नहीं बोल सकती हूँ, जानती हो ना। बहुत सोच लिया, पहले कॉफी पीते हैं, ठंडी हो जाएगी। बात करनी है बोल के इस तरह धूप में बिठा कर कॉफी देकर क्या सोच रही है? कौन है वो जरा मुझे भी बता, बता कौन है वो? हाँ वो हम दोनों उस दिन पार्टी से आ रहे थे ना, हमें तुम्हारे घर तक ड्रॉप किया था ना। हाँ वो इसी कॉलोनी का है, उसकी बहन की बेटी हमारे स्कूल में ही पढ़ती है, वही रोज उसे ड्रॉप करने आता है। आहा, उस लड़के से बहुत अटैचमेंट हो रही है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो अच्छी बात है, किसी कोने में बैठी वीणा आज बहुत अच्छा बजा रही है, ये तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, अचानक से इतना बदलाव, सुपर। नाम है नंदू। आहा नंदू कैसा दिखता है? तूने तो उसे ठीक से दिखाया भी नहीं। अरे वीणा, लगता है अब तो वीणा से गिटार बन गई है।
मतलब पानी घर तक आ गया है। मुझे शर्म आती है। बुला ले उसे। हम लड़कियां हैं ना, हमें ही प्रपोज करना चाहिए। एक काम कर, दो दिनों से अवॉइड कर, देखना मत और बात मत करना। ऐसा क्यों? उसका पागलपन बढ़ेगा और उससे हिम्मत बढ़ेगी और वो हिम्मत तेरे पास आने के लिए मजबूर करेगी। उसके बाद क्या होगा? जो कह रही हूँ ट्राई करके देख, अच्छा ही होगा। अरे उधर मत देख, अवॉइड करना। अंदर जाकर खाना खाते हैं, भूख लगी है, चलना अभी अंदर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। नहीं यार, एक और राउंड मारते हैं ना। अब राउंड से काम नहीं चलने वाला, वैसे भी इन सब की जरूरत नहीं है अब। तो क्या करोगे? अब मैं दो दिन अवॉइड करूंगा उसे, यहाँ तक कि देखूंगा भी। उसके बाद तू देखना फ्लैट हो जाएगी वो, और तीसरे दिन वो तेरे पास आ जाएगी। तेरा यही प्लान है ना, कमाल का है। डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स एंड डियर टीचर्स, आज ये जो फंक्शन हो रहा है ये बहुत गर्व की बात है। छोटी सी सोसाइटी से एजुकेशन सोसाइटी में आए हुए बच्चों की भावनाओं को जान के परख के बच्चों का भविष्य निखारने वाले, हमारे कॉलेज का नाम रोशन करने वाले प्रिंसिपल का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हमेशा स्ट्रिक्ट रहने वाले प्रिंसिपल साहब, आज हम सबके लिए गाना गा के हमें एंटरटेन करेंगे। स्टेज के नीचे बैठे हुए सभी लोगों को और यहाँ के बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं इस स्टेज पर स्पीच देकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि समय सबसे ज्यादा कीमती होता है। जब मैं स्कूल देखता हूँ तो मुझे अपने बचपन की बातें याद आ जाती हैं। आपको पता है ये स्कूल मेरे बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। मैं यहीं पे धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब मैं छोटा था तो मुझे गाना गाने का बहुत ही शौक था और मैं गाता भी बहुत अच्छा। लोग मुझे बुलाकर गाना गवाते थे। मेरे बचपन के वो अफसाने, लोग हो जाते थे दीवाने। मेरे बचपन के अफसाने, लोग हो जाते थे दीवाने। ला 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 ला। मेरे बचपन के अफसाने। वीना, आज प्रिंसिपल सर ऐसा कमाल का परफॉर्मेंस देंगे, मैंने सोचा नहीं था। यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद स्कूल फंक्शन अटेंड किया। अबे वो मेरी तरफ देख नहीं रही है, मुझे बहुत फील हो रहा है, बात करता है। यार ये लोग कुछ खाने को देंगे या नहीं? फंक्शन का मतलब खाना होता है क्या? और कुछ नहीं होता? तो तेरी तो क्या हुआ? कुछ सोच रही हो क्या तुम? कुछ नहीं सोच रही। तू उसे जानती है? हाँ पता है। क्यों? कुछ नहीं, वो मुझे देख रहा है क्या? नहीं 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 देख रहा। अच्छा क्यों नहीं देख रहा मुझे वो? अरे क्यों नहीं देख रहा ये उससे पूछ लो ना। टीचर, हमारी स्वीटी तो अच्छा करेगी ना? हाँ रिहर्सल तो अच्छे से की है तो अच्छे से ही करेगी। ठीक है, करेगी तो अच्छी बात है। लगता है तेरे लिए यहाँ आया था। फिर मुझे क्यों नहीं देखा? हो सकता है उसका प्लान भी यही हो। अच्छा, मैंने सोचा था मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगी। यार तूने बोला ना कि प्लेटफॉर्म रेडी है। अरे यार जब सब कुछ रेडी है तो फिर ये सब करने की जरूरत है क्या? लड़कियों को हम कभी भी नहीं समझ सकते, चांस ही नहीं है यार। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? स्टेज पर बच्चों के प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम तेरा ही है, पहले वो कर। हाँ वो तो है, वो तो मैं करूंगी। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं ना? तुम भी अच्छा करना, ठीक है? ओके टीचर। तुम रेडी हो ना? अमृता मैं तो घबरा ही भूल गई। क्या इस टाइम पर? तो अब क्या? कॉस्ट्यूम लाना भी भूल गई। मंगवा भी नहीं सकती, मम्मी घर पर नहीं है। कैसे भी जाकर लाना ही होगा वरना
प्रिंसिपल सर डांटेंगे। बाप रे, मैं जाकर आती हूँ। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? घर पर मैं अपना कुछ सामान भूल गई हूँ, इसलिए घर जाने के लिए कैब बुक कर रही हूँ। मैं ले चलूँ क्या? एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट आता हूँ, बाइक लेके आ रहा हूँ, आप यहीं रुकिएगा। दो मिनट, बस अभी आती हूँ। तब तक आप पानी पियेंगे? हो रही है तू? कभी ऐसा हुआ है क्या? दुनिया बहुत बदल गई है। इस दुनिया में फर्स्ट हग और फर्स्ट नाइट के बाद ही सब पता चल जाता है। आजकल तो कोई भी लड़की डरने वाली में से नहीं है। अभी कोई देख रहा है तो तू इतना डर रही है। छूना, पकड़ना, ये सब तो आजकल बहुत कॉमन है। नजरें मिलाना, देखना, ये सब तो छोटी मोटी बात है। और तो और, ये वो कर रहा है जिसे तू पसंद करती है। हाँ, तू सच कह रही है, दुनिया सच में बदल गई है। पर मेरी दुनिया तो सिर्फ मेरी माँ है, और वो कभी नहीं बदल सकती। मेरे सुख के लिए मेरी माँ ने बहुत कुछ झेला है। माँ को तकलीफ देकर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नंदू मुझे पसंद है, लेकिन तू जैसा कह रही है, मैं उस तरह से अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैं अपनी पसंद अपने दिल तक रखना चाहती थी। मुझे नहीं पता था बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी जान निकल जाएगी।
मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। ब्लॉक कर दिया उसने, सोचा नहीं था मैंने। स्वीटी। हेलो बेटा, चलो उठ जाओ, थोड़ा जूस पी लो। एक घंटा लगेगा सर। हाँ ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आराम से। क्या हुआ, स्कूल नहीं जाओगी क्या? आज ही स्कूल नहीं जाएगी, स्वीटी को बहुत तेज बुखार है। तो मैं जाके लीव लेटर दे के आऊं? उसकी जरूरत क्या है, फोन कर देता हूँ ना। अरे कोई बात नहीं जीजा जी, लीव लेटर फॉर्मेलिटी होता है, मैं दे आऊंगा, डोंट वरी, उधर ही जा रहा हूँ मैं तो दे दूंगा। पियो ना। पियो बेटा। पी लो बेटा। ए रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको, क्या काम है? अरे कुछ नहीं भैया, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो लीव लेटर देके वापस आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम लोग उस दिन आए थे शॉर्ट फिल्म के लिए, प्रिंसिपल साहब ने मुझे मना किया है, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, तुम जाओ जाओ यहाँ से। अगर 10 रुपए दूं तो क्या करोगे? चाय पीऊंगा। और 100 दूंगा तो? क्वार्टर पीऊंगा। और 200 दूं तो? तब ये सोचूंगा कि तुमको जाने दूं या ना जाने दूं, समझ गए? अब क्या बताऊं भैया, अंदर जो पैसे रखे हैं ना बहुत खुजली कर रहे हैं। म्यूजिक टीचर के पास जाके थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लूंगा। वो मैडम तो आज नहीं आई है। नहीं आई है? स्कूल की देखभाल अच्छे से करना, बेंच पे धूल पड़ गई है साफ करिए इसे, समझ गया ना? ए सुनो सुनो सुनो, 200 रुपए तो दिए नहीं आपने, बोला ना म्यूजिक टीचर नहीं आई है। जितना सीधा दिखता उतना सीधा है नहीं। क्या यार, वीणा ना स्कूल गई है और ना ही वो अपने घर पर है। यार वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? नहीं तू ठूस ले, पहले ठूस ले, और कुछ मंगाऊं? एक प्लेट भुर्जी और एक प्लेट इडली। तेरी तो तू। एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे, तुम मेरी गाड़ी पर आज कैसे बैठ गई? मेरे दिल ने कहा इसीलिए बैठ गई, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? तुम बोलो और मैं ना करूँ कैसे होगा, तुम एक बार कहो तो फिर देखो क्या करता हूँ। बाय। ये आज पीना बंद नहीं करने वाला। चल पैक बना। अरे यार तू कैसे पी रहा है, ना पानी मिलाने दे रहा है ना सोडा। मैंने कहा ना तू बना। हाँ लगता है कि मैटर कुछ ज्यादा सीरियस है। बस ए, अरे भाई सुनना, थोड़ा आराम से पी। अबे बुज्जी तुझे पता है मेरी परिस्थिति कैसी हुई है? मानो कि मेरा दिल पीने का कर रहा हो। टाइम इतना ज्यादा हो गया था कि शॉप भी बंद हो गई, बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ने पे एक क्वार्टर मिल जाए और मैं उसे जैसे ही लेके घर की तरफ बढ़ा ना वो मेरे हाथ से छूट के गिर जाए, तो बता कैसा लगेगा मुझे? बहुत बुरा लगेगा यार। ऐसी हो गई है मेरी जिंदगी यार, सच कहूं तो बहुत बुरा हुआ। ये तेरे साथ सही नहीं हुआ यार। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वो तुझे पसंद कैसे आई? बिल्कुल आंटी दिखती है। अरे सच कह रहा हूँ मैं यार। वैसे भी लगता है ये प्यार करके शादी ही करेगा। करेगा। बोल करेगा ना। अबे दुनिया में यही एक ऐसी लड़की है जो इतना नाटक कर रही है यार। देख तेरे पास इंटरनेट है, उसको मैसेज कर, मैसेज आने का वेट भी कर, उसका नेट ऑन होना चाहिए, व्हाट्सएप भी ऑन होना चाहिए, मैसेज मिलने के बाद ब्लूटिक भी ऑन होना चाहिए, इनमें टाइम लगता है, थोड़ा चिल मार, हमें भी चिल करने दे। अरे सुन एक गाना चला, पार्टी का मजा तभी आएगा जब गाना बजेगा। अब जल्दी कर वरना फिर गाना। यस हे शैलू। हे हाय, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, इतनी रात को बाहर घूम रही हो? चलो आओ कार में बैठो। मेरी फ्रेंड है तो उनको भी बैठने के लिए बोलो। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तो तुम आ जाओ। अरे मेरी फ्रेंड है ना साथ में,
गोल्ड रिंग चाहिए या नहीं चाहिए? एक मिनट, ठीक है, ये नहीं सुधरेगा, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, सो तुम कैब बुक कर लेना या फिर बाजू में ऑटो मिलेगा, ले लेना, ठीक है, चलो बाय। शैलू, यार क्या करना है, फंक्शन का टाइम हो रहा है, तुम लोग जाओ, मैं इसे ड्रॉप करके आता हूं। अरे देखो गाड़ी आ रही है। हाँ? देखा, हिचकी बंद हो गई ना, अंदर जाकर पानी पी लो, ठीक लगेगा, जाओ पी लो। एक्चुअली मैं तुम्हें अवॉइड कर रही थी, पर आते समय मुझे रास्ते में बहुत डर लगा, सेव करने के लिए थैंक्स। जब मैं छोटी थी तभी मम्मी का डिवोर्स हो गया और तब से मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। मम्मी ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। बचपन में जब मुझे बुखार आता था तब मम्मी टैबलेट लेती थी ताकि उन्हें देखकर मैं भी टैबलेट ले लूं, भले उन्हें कुछ भी हो जाए पर वो मेरी खुशी चाहती हैं। नंदू छोड़ो, देखो तुम डरो मत। नंदू प्लीज छोड़ो मुझे। अरे कुछ नहीं होगा, प्लीज नहीं। क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, तुम भी किसी को मत बोलना। शट अप। बस एक बार। गेट लॉस्ट, आउट। वीणा, बेटी वीणा, क्या हुआ, यहीं पर सो गई, स्कूल नहीं गई तुम? क्या हुआ बेटा, तबियत ठीक है ना तुम्हारी? तबियत ठीक है माँ। तबियत ठीक है तो यहाँ पर क्यों सो गई, स्कूल जाने के लिए जाओ, रेडी हो जाओ। क्या हुआ बेटी? कुछ भी नहीं हुआ माँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर कैसे, क्या हुआ है बताओ, बोलो वीणा। कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हूँ, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा नाम वीणा है और मैं राजेश्वरी की बेटी हूँ। मैं स्कूल में बच्चों को संगीत सिखाती हूँ माँ, इसमें समझने वाली कौन सी बात है, बाय। राधा कृष्णा
तेरी ऐसी लीला भाई मन को तेरी ये लीला गोविंद गोपाला नाम ने को भाई मन को तेरी ये लीला। तुम सब लोग रुक क्यों गए? हम कहाँ टीचर, आप ही तो रुक गई। ठीक है, अब बाकी प्रैक्टिस कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। मैं अभी आती हूँ। जय गोविंदम, जय गोविंदम, जय गोविंदम। तुझे देख के लग रहा है कि तू बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो एक काम कर, इस वीक में मेरे भैया की शादी है, वैसे भी मुझे इनवाइट तो करना ही था तुझे। आजा, प्लेस चेंज होगा तो थोड़ा रिलीफ लगेगा। मेरा कहीं भी जाने का दिल नहीं कर रहा। क्लास में भी जाने का दिल नहीं है क्या? सर वो भैया की शादी है ना, तो इनवाइट कर रही थी। क्लास के बीच में डिस्टर्ब करने पर नहीं आएगी बोला क्या? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तुम लोग ऐसे बिहेव कर रही हो। तुम लोग मेरा ठीक से रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो। व्हाट इज दिस? बाय सर। बाय सर। अमृता, तुम्हारे भाई की शादी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हर किसी को नहीं बुला रहे हैं सर। अरे क्या हुआ, खाए बिना जा रही है बेटी? खाना पसंद नहीं आया माँ। तूने ही तो बनाया है। इसलिए मैंने बनाया, इसलिए पसंद नहीं आया। जब देखो तब फोन। हाँ, हरदम आपके साथ में यही गंदा रहता है। मुझे भी यही डाउट है। तुम दोनों एक जैसे हो। बीना टीचर। अरे तेरी मैटर यार। अरे छोड़ना यार, इसने मेरे मुंह पे दरवाजा मार दिया था। कौन, किसको? अरे फिल्म के अंदर हीरोइन ने हीरो के मुंह पे दरवाजा मार दिया था। हीरोइन ने हीरो को अगर धक्का मार कर निकाला तो वो हीरो नहीं विलन होगा। अरे बाप रे। मैं वीना टीचर के साथ जाऊंगी। तुम्हें पता है तुम्हारी संगीत की टीचर की वॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन दिमाग कम है, जरा बच के रहना। किसी को क्या लगता है हीरो हूँ मैं? हीरोइन बहुत नाटक कर रही है ना, कुछ भी हो जाए हीरोइन तो उसे मिल ही जाएगी। दिव्या, दिव्या आ गया क्या? हाँ आ गया। पी कर आया क्या तू? क्वार्टर भी है, अर्जेंट है, एक जरूरी काम है, चल मेरे। रुक जा, मैं भी आ गई। औरत को क्या समझता है तू? मैं नाचने वाली गुड़िया नहीं हूँ, औरत हूँ मैं, इंसान हूँ, और मेरे पास एक दिल है। ए, चुप, ये घटिया सीरियल के डायलॉग बोलना बंद कर। अगर अब उनका दिमाग घूम गया ना तो दूंगा खींच के। छोड़ मुझे। ये चल रहे। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा। पति हूँ मैं तेरा, मुझे क्या मार डालेगी? पति हो या गधा हो, पसंद नहीं आएगा तो मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। औरत यानी आदि शक्ति, औरत यानी आदि शक्ति, औरत यानी आदि शक्ति। अरे बाप रे, औरत आदि शक्ति होती है, ऐसा मैंने टीवी में देखा था, आज तो मैंने सपने में भी देख लिया। इतनी वॉयलेंट। अबे सुन, लड़कियों को जो नहीं पसंद होता है उसे जान से मार देती हैं क्या? अबे लड़कियां बदला लेने के समय पूरी नागिन बन जाती है, दूर रहना उनसे। मतलब चाकू से मार देना या फिर कहीं से धक्का दे देना, ऐसा कुछ करती हैं क्या? छी 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 छी, लड़कियां बहुत वीक होती हैं यार। एक टीवी की रिपोर्ट के अनुसार मर्दों का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है। 2015 में पूरे 2650, 2016 में 2000 से बढ़कर 9016 हो गए, 2017 में ये आंकड़ा 9000 से बढ़कर 11000 तक पहुंच गया। लड़कियों के साथ छेड़खानी, ईव टीजिंग वगैरह वगैरह। लड़कियों ने आखिर क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि वो बहुत डरती हैं। सच तो ये है कि बचपन से लड़कियों को डरा के रखा जाता है। 6 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की औरत तक कोई सेफ नहीं है। इसका मतलब यह है कि लड़कियां वीक होती हैं। मेरी बात मान, मर्द ताकतवर होता है। तुझे अभी कोई डाउट है? अभी दिखाता हूँ।
क्यों मैडम टीचर, दिन ब दिन बड़ी हसीन होती जा रही हैं। आखिर राज क्या हमें भी बता दीजिए, चेहरा बहुत चमक रहा है, हमें भी टिप दे दो। देख लिया ना, तुझे मैंने पहले ही बोला था, लड़कियां बहुत कमजोर होती है, कुछ नहीं करती, वीक है लड़कियां बहुत। सर झुका के जा रहे हैं मतलब कमजोर नहीं है, बर्दाश्त करते हैं, समझ लेना। कमजोर बोल रहा था, खींच के मारी ना एक। कोई कोई झांसी की रानी भी बन जाती है यार। तेरा क्या होगा यार, तुम लोग यहीं रुको, मैं मैटर क्लियर करके आता हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी, आप नहीं, वीरा जी। हाँ वीरा जी, मेरे दिल में भी आपके लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए कोई फीलिंग मत रखना, अगर हो भी तो भूल जाना, लेकिन चाकू से मत मार रहा और ना ही कहीं से धक्का देना। अगर ऐसा कोई प्लान बनाया हो तो उसे कैंसिल कर दो। एक बात और, रात में वो जो सीरियल आते हैं उसे मत देखना, बहुत ही घटिया होते हैं। हाँ अमृता, मैं भी शादी में आऊंगी, आकर माँ से बात कर लेना। हाय आंटी, हाउ आर यू? आओ बेटी, बैठो बैठो। मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? फाइन आंटी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आजकल तो आना ही बंद कर दिया है, बिजी रहती हूँ, भाई की शादी है ना तो थोड़ी बिजी रहती हूँ। चाय कॉफी? कुछ नहीं आंटी, मीना को भेज दीजिए बस, रेडी हो रही है। कभी भी उसको अकेले कहीं पर नहीं भेजा है बेटा, कभी भी नहीं गई है, तुमने बार बार बोला इसीलिए हाँ किया, समझ रही हो ना? हाँ आंटी, मीना को भेज दीजिए बस, पहले पूछा था तो मना कर दिया था, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आप तो जानती है ना, और वैसे भी ऐसी परिस्थिति में उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा आंटी, है ना? कैसी परिस्थिति, क्या हुआ उसको, और तुम कौन हो, कभी देखा नहीं तुम्हें? आप कौन है बेटी? वो चुप रहिए सासू माँ, मैं वीणा का होने वाला पति हूँ, इस घर का दामाद। अब बताओ। ए, नंदू तू ही है ना, राणा बाबू ने तुझको बुलाया है। अरे बुजी, भाई राणा बाबू ने बुलाया है, क्या बात है? ए, उन्होंने बुलाया और तुम लोग आ गए? तुम बस ये बताओ कि उन्होंने क्यों बुलाया, क्या हुआ भाई? बात ये है कि क्या बात है, आजकल तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो थोड़ा बिजनेस के काम से इधर उधर घूम रहा था। बिजनेस? हाँ। क्या बिजनेस है? वो सब छोड़ो ना भाई, राणा मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी, दे सकते हो क्या? क्या रे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सिर्फ राणा बोला तूने, राणा बाबू बोल मुझे। चल, अरे हाथाड़ा, अरे बोला ना हाथाड़ा। देख मेरी बात सुन, देना तो दे, नहीं देना तो मत दे, फालतू में डरा क्यों रहा है? तुझसे कोई डरने वाला नहीं है। मेरे बारे में जानता है फिर भी ऐसे बोल रहा है? हाँ पता है, तेरे बारे में जानने के बाद भी वो लड़का कॉलोनी में घूम रहा है। अरे भाई, जिसने उस दिन आउट किया था। क्या बक रहा है तू? हाँ सच बता दिया। अरे कमीने, अपने आप को बचाने के लिए हमें फंसा दिया, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे अब। ए, तुझे बोला था ना कि दिखना मत। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मेरी बात को अनसुनी करता है बे? तुझे क्या लगा, तुझे देख के डर जाऊंगा क्या? अरे बाप रे, ये क्या है? छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। अरे अरे अबे तेरी तो। तुम लोग कौन हो बेटा और ये क्या है? अब आप ही बताइए, इसको मैंने क्रिकेट में आउट कर दिया, मुझे यहां से जाने के लिए बोल रहा है, ये पूरी कॉलोनी का मालिक है क्या ये? ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ, मैं देख लूंगा। क्रिकेट मत खेलना, जाओ बेटा। एक बात बोलूं, इसका बाप अपने सड़ियल बेटे को बर्दाश्त कैसे कर रहा है? अरे यार, मेरी तो टेंशन खत्म हो गई, मुझे लगा उसे तेरे प्यार के बारे में पता चल गया। ताश खेल के जो 5,000 जीते थे, मैंने सोचा वो गए। मतलब गए यार। निकल, फोन निकल। अबे प्रसाद को कॉल करना है। मैं फोन लेकर नहीं आया हूँ, निकालता हूँ। इधर ले। सॉरी भाई,
देना। तुम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया क्या? मैंने इनके पास थोड़ी बहुत पी ली थी, अभी बराबर हो जाएगा। अरे यार चिंता मत करो, आ जाओ, ये सब हमारे दोस्त हैं। ये पूरी गटक जाएगा। आओ यार बैठो। आ गए मनोज, बैठो। हाय हाय। हेलो हेलो। हाय, चल यार पीते हैं। हाँ चलेगा। हाँ पियो। क्या बात है, आप कुछ सोच रहे हो क्या भाई? अरे लड़की का मामला है, तू बस पीना। अच्छा लव का मैटर है, क्यों क्या हुआ? अरे कुछ हुआ ही तो नहीं। मतलब? मतलब प्रपोज करना, फ्लावर देना, गिफ्ट देना, इस टाइप की कुछ चीजें अभी तक हुई ही नहीं। क्यों, वो लड़की इससे प्यार नहीं करती है क्या? नहीं, ये लड़की से प्यार नहीं करता। क्या मतलब? अरे यार ये सब तू छोड़, बस तू पी, दिमाग मत खराब कर। अच्छा वो देना जरा। पीना है तो आराम से पी, चिल्ला मत। ये बात दीदी को पता चल गई तो हम सब की धुलाई हो जाएगी। कानो कान उन्हें खबर ना पड़े। आराम से पी, जरा भी डाउट ना हो उन्हें। साइलेंटली पीना यार। पानी डालूं क्या? अच्छा उसका नाम क्या रे? वीणा। वीणा, बांसुरी और वीणा। अब उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। अबे वो इस जनरेशन में पैदा कैसे हो गई? वो हमेशा अपना पूरा शरीर छिपा के क्यों घूमती है? 15 दिन से यही बातें बोल रहा है कि सिर्फ कमर दिखाई, कमर दिखाई। इससे ज्यादा क्या दिखाएगी यार वो? यार वो अभी तक डेवलप नहीं हुई है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है लेकिन झोपड़पट्टी जैसी सोच है। मेरे साथ तो उसकी नहीं पटने वाली है। आजकल की लड़कियां कितनी फास्ट हो गई है रे। और इसे देखो कितनी संस्कारी है ये। ऐसा होना चाहिए क्या? एक छोटी सी गलती क्या हो गई मुझसे, मेरा नंबर ब्लॉक कर दी। इससे ज्यादा वो कुछ और नहीं कर सकती। देखो भाई को कितना दुख हो गया है। छोड़ने का दिल नहीं कर रहा यार उसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। है उठ उठ। ये सब क्या है? अरे यार सोने को परेशान मत करो। बुझी उठना। गया बाबू। है बुझी। है बुझी। नंदू। है नंदू। क्या है ये सब? ए, मैं इस घर को वृंदावन स्वर्ग समझता था, तुमने तो बार बना डाला भाई। आज के बाद अगर तुम लोग नंदू के पास नजर भी आए ना, या इस गली के आसपास भी दिखे ना, तो पता है मैं क्या करूंगा? मार मार के बकरा बना दूंगा सबको। जीजा जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलो। इस क्वार्टर को लेकर जाऊं क्या? जी वो क्वार्टर भी लेके जा और जो सो रहा है इस गधे को भी लेके जा। उठाई से। ए प्रसाद। अरे प्रसाद उठी यार। चोने दे यार। गुड मॉर्निंग जीजा जी, आप लोग बहुत जल्दी आ गए। अरे टाइम देख 1:30 बज रहा है। तब तो गुड आफ्टरनून जीजा जी। अरे यार आप मनी मना में बहुत गालियां दे रही होंगी ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हॉल को एकदम क्लीन करके जो सामान जहाँ रखा था वहाँ रख दो, सिंपल। नहीं तो ये मार डालेंगे। तू झाड़ू लेकर क्या? तू पानी लेकर क्या? तू पोछा लेकर क्या? अच्छा और तुम क्या करोगे? मैं ही तो पोछा लगाऊंगा दीदी, लगाता हूँ। चलो जल्दी करो, फंस गए आज। क्या सोच रही है तू इतना? कुछ नहीं, जो मन में होता है ना वो नेचर में स्प्रेड होता है और वही हमारे अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है, चाहे सुख हो या फिर दुख हो। जिंदगी के हर पल को एहसास करना चाहिए। ये इतना इजी नहीं है बट ये फैक्ट है। शैल वी डांस? कम ऑन डांस, विल क्रॉप द मूड। कम ऑन। यार कल जो कुछ भी हुआ उससे दीदी बहुत खफा है। उन्होंने कहा है मैं अर्जेंटली जॉब ढूंढ लूं, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगी। जीजा जी का रिकमेंडेशन है, कोई गोविंद राव है, उन्हीं से मिलना है।
जॉब नहीं मिली तो क्या होगा यार? आ? अरे यार तू ऐसे डरा मत मुझे, ठीक है मैं चलता हूँ, तू जा। दारू, सिगरेट्स, फ्रेंड्स, लड़कियां, ये सब कुछ छोड़ना है तो जॉब चाहिए। ना लाइफ में कोई गोल है, ना ही किसी तरह का कमिटमेंट है तुम्हारी लाइफ में, ना कुछ करना है, ना ही कुछ हासिल करना है, बस जिंदगी जिए जा रहे हो। बस कैसे भी कुछ काम मिल जाए, थोड़ी बहुत जो भी हो सैलरी मिल जाए, ऐसे क्या जिंदगी चलती है? जिंदगी में कुछ कर पाओगे तुम? मेरे हिसाब से पैसे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, काम करोगे तो पैसा आएगा ही। अगर एक शब्द में कहूँ तो जो भी काम करो उससे प्यार करना चाहिए, आदर करना चाहिए, फिर वही काम तुम्हें ऊंचाई पे पहुंचाएगा, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो या फिर लड़की हो। जॉब मिल गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, समझ रहे हो? जॉब तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, अभी फिलहाल ज्यादा जरूरी जॉब नहीं है, तुम्हारा बर्ताव है। चाय पी लो, ठंडी हो गई है। यार वीणा, ये वीणा नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये वीणा है? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? मैं जब भी उसे याद करता हूं तो मुझे रोना क्यों आता है? क्या हो गया है मुझे? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों रे, इंटरव्यू का क्या हुआ? और तू भीग कैसे गया? ए ये ले, सिर पोछ ले, चाय बना कर लाती हूं। इसे क्या हो गया अचानक? नंदू, नंदू, अरे रे रे, इसका बदन तो बहुत गर्म है। हेलो, सुनिए ना, मैं बोल रही हूं। डरने की बात नहीं है, वायरल फीवर है। हुँ? मैं टैबलेट्स लिख देता हूँ। शादी में गांव गई थी सर, और फिर बुखार हो गया। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। ठीक है, आते हैं, चलो। तुम ही हो ना, सुनील के साले साहब? हाँ सर। अरे वो कहाँ है? बाहर फोन पे बात कर रहे हैं वो। ओहो, Thank you.
जरा अपना मुंह तो खोलना। थर्मामीटर को क्या हो गया? बुखार काफी कम हो गया है। थर्मामीटर लगाने से तबीयत ठीक होने लगी है आजकल तो। ये दवाइयां ले लेना। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, क्या कहेंगे? वहां जाने के बाद कोई बुखार ही नहीं था। देखो कैसे पसीने छूट रहे हैं। शायद इसे वीकनेस हो गई है। इसे ताकत की दवा दो। हाँ, जरूर उसी की वजह से होगा। बेचारा मेरा भाई, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए मेरा भाई कहाँ कहाँ घूमता रहता है। अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से टाइम टू टाइम खाना खाकर रेस्ट करो, ठीक है ना? तुम ठहरो, हाँ, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। रुको, हाँ। मामा जी, मैंने सोचा आपको बुखार है तो मम्मी पापा की सालगिरह नहीं मनेगी, पर ऐसा नहीं होगा ना? हाँ नंदू, कल शादी की सालगिरह है, कहीं बाहर जाके एंजॉय करने के बारे में सोच रहे थे। पता नहीं है चलेगी कि नहीं। कोई जरूरत नहीं है, जो भी करना है घर में ही करेंगे। घर पर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं ना? जीजा जी बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं और आप मना कर रही हैं। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर दीदी। थैंक यू सर, थैंक यू। जीजा जी आ जाओ। ये सब क्या है? अरे बैठो ना। आप दारू पी रहे हैं, दीदी को पता है क्या? अरे आज तुम्हारी दीदी खुद अपने हाथों से पैक बना के देगी। वो क्यों जीजा जी? पता है मैं भी तुम्हारी तरह दोस्तों के साथ दारू पी के खूब इंजॉय करता था। फिर तुम्हारी बहन मेरी लाइफ में आई और सब कुछ बदल गया। बात एकदम सही है, औरत के आते ही जिंदगी की सारी खुशियां चली जाती हैं। ए, असल में खुशी क्या होती है लड़की के जीवन में आने के बाद ही पता चलता है। प्यार, लड़कियां जो प्यार हमसे करती है ना, तो हमें भी प्यार दिखाना चाहिए। जैसे हम कभी कभार ये भी बोल सकते हैं कि तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो, और बदले में वो हमारा कितना ख्याल रखती हैं, हमारे सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहती हैं, हर वक्त हमारे बारे में ही सोचती हैं। ए, उनकी महानता क्या है पता है? उनकी खुशी हम तक ही सीमित होती है। अगर हमें कुछ हो जाए ना तो वो टूट जाती हैं। इसलिए रोज रोज पीने से बेहतर है उस दिन का इंतजार करना जब वो अपने हाथों से पैक बना के दे। यही सबसे अच्छा है। वो देखो मेरी देवी आ रही है। क्या बात है जीजा साले में, क्या मीटिंग हो रही है? अरे कुछ नहीं दीदी, हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। ये क्या है यार? कल तक वो मेरे सपनों से जा रही थी लेकिन आज वो सच में चली गई। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे हार्ट बीट को टच कर रही हो। आज उसके बिना दिल बहुत बेचैन हो रहा है। क्या यार, ये भी ना। ये सब छोड़, शाम की पार्टी का पूरा इंतजाम हो गया, तू आ रहा है कि नहीं बता? तुम लोग जाओ, मुझे सिगरेट दो। चल यार, इसकी जगह किसी और को ले जाना पड़ेगा। Excuse me, अमृता जी, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। किस बारे में? वीणा के बारे में। एक छोटी सी हेल्प करेंगी क्या प्लीज? हेल्प? सच कहूं तो मैंने वीणा के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूं। वो मुझसे बात नहीं कर रही है। मैं चाहता हूं कि वो मुझे माफ कर दे।
आप उसे मनाएंगे क्या प्लीज? माफ उसको करना है, मैं कैसे समझा सकती हूँ? आपके अंदर बदलाव आया है तो एक दिन में ही उसे ये सब कुछ नजर आ ही जाएगा। आपको जो बोलना है आप खुद ही बोल दीजिए उससे। ऑल द बेस्ट। वीणा एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीणा रुक जाओ। रुक जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ में आ गया है। फिर से दरवाजा खटखटाया तो तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, लेकिन मेरे दिल में क्या है मैं बताना चाहता हूं। प्लीज वीणा, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी करना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये बात मुझे समझ आ गई है, क्योंकि अब तक मुझे हर चीज इजली मिल जाती थी ना, इसलिए मैं इस तरह की गलतियां करता रहता था। लेकिन तुम्हारे साथ पता नहीं कैसा कनेक्शन है, तुम अगर मुझे माफ नहीं करोगी तो शायद मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी मां की कसम खा के बोलता हूं, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं जिंदगी भर ये दर्द लेके घूमता रहूंगा। मुझे माफ कर दो वीणा, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। बस एक बार माफ कर दो, मैं जा रहा हूं। कहाँ है तू? मुझे तुझसे मिलना है। उसे देखा तो ऐसा लगा कि वो बदल गया है, आंखों में सच्चाई दिख रही थी। अगर माँ की कसम खा रहा है तो सच में बदल गया होगा। सोचना पड़ेगा कि उसका दिल अगर तुम्हें समझ में आया तो आखिर तुम्हारा दिल क्या कहता है। तू तुझे क्या हुआ? खाना खाए बिना कहाँ जा रहा है? हाँ, खाना खाने के लिए सिर्फ भूख नहीं, मूड भी होना चाहिए। कल से खाएगा तो ही थाली लगाना। अरे कितना खाना वेस्ट कर दिया, फ्री में आता है क्या ये सब? है पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो गया। ठीक है फोन रख। समझ में नहीं आ रहा कि ये सोच क्या रहा है, लगता है पागल हो जाएगा। तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो, हंसते रहा करो। Thank you.
समझा देना उसे, खत्म कर दूंगा उसको इसके तो। आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? अभी? हाँ अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। या सुनिए, पानी पियेंगे क्या? हाँ। मम्मी आज खाना मैं बनाऊंगी, सुनिए खाना खाकर जाइएगा। आंटी जी अभी इस घर का खाना खाने का कोई फायदा नहीं है, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, सोच रहा हूँ शादी के बाद ही खाना खाऊंगा। चलता हूँ आंटी, बहुत काम करना है। हाय। बोलो। कैसी हो तुम? अच्छी नहीं हूँ, तबीयत खराब है। ये क्या कह रही हो तुम? और नहीं तो क्या, कितनी बार पूछोगे, कैंटीन में ही तो पूछा था। हाँ मानता हूँ कि उस समय मिला था, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है न जाने क्यों। फर्स्ट टाइम? और नहीं तो क्या, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दिल बहुत बेचैन हो रहा है, न जाने क्यों तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। ओके आ जाओ। अभी आ जाऊँ? सच में? नहीं 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 अभी नहीं। कब और कहाँ आना है मैं बताऊंगी, ओके ना? बाय बाय। मीना क्या बात है, फिर से दोनों मिल गए? तुझे कैसे पता चला? इतने दिनों बाद कॉल किया, बस गेस किया। वैसे ये सच है क्या? हाँ वो बदल गया है, उसने मम्मी की कसम खाई है और रोते हुए सॉरी भी कहा। ओहो मतलब बहुत कुछ हो गया है। हाँ अभी अभी फोन पर बात हुई उससे, मिलने के लिए कह रहा था, मैंने कहा कि टाइम मैं बताऊंगी। तो तू एक काम कर, कल संडे भी है, मम्मी पापा गाँव जा रहे हैं, मेरे घर पे ही मिल लो, यहाँ वहाँ क्यों मिलना। और हाँ मैं बीच में नहीं आऊंगी। छी क्या सोचती है तू, मैं वैसी नहीं हूँ। ओके ओके प्रोग्राम फिक्स। ए ऐसी बात नहीं है, तू मुझे मत बोल, नंदू को भी मत बोलना, मैं कॉल करके सरप्राइज दूंगी। ओके ना बाय। हाँ बाय। हेलो। हाय यादें मैं कौन हूँ? या कांग्रेट्स। क्या वो आएगी? मैं उसे बोल दूंगी, तुम आ जाओ। बाय। ओके। मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल कर देता हूं, क्या हम दोनों साथ में जाएंगे? नहीं नहीं अलग अलग जाएंगे, वहां नहीं मिलेंगे। ऑटो। ए रुको, अब अब आइए ना, आइए बैठिए, नंदू ने ऑटो भेजा है, आपको साथ में लाने के लिए बोला है। ओ अब मेरे दोस्त ने जो कुछ भी सोचा वो उसने हासिल कर लिया, नंदू नंद गोपाल है वो। क्या बोल रहे हैं आप? आप उससे मिल लीजिए, सोचिए मत, वो आपको पाना चाहता है। अब हम सारे दोस्त
जो भी काम करते हैं ना सब मिलजुल कर करते हैं, मिल बांट कर खाते हैं। स्टॉप इट, स्टॉप। अब क्या है ना वीणा जी, मैं कुछ भी दिल में छुपा नहीं सकता, इसीलिए बक दिया मैंने। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। शट अप। वीणा जी वो आज की लड़कियों जैसे नहीं है, तुम बहुत लकी हो। एक बार फोन तो कर सकती हो ना। वीणा कहाँ पर हो, कितनी देर लगेगी, वैसे निकली कि नहीं तुम? ये तेरा वेट कर रहा है। जैसे फर्स्ट नाइट के लिए वेट करते हैं वैसे ही वेट कर रहा है। जल्दी आ जाना। हेलो वीणा, बात क्यों नहीं कर रही हो? शट अप। व्हाट? प्यार और दोस्ती में विश्वास की जरूरत होती है। दोस्ती के बारे में तुझे नहीं पता और प्यार के बारे में बात करने की उसकी कोई औकात नहीं। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। नंदू कुछ तो हुआ है, वो बहुत सीरियसली बात कर रही है। हम दोनों को बुरा भला बोला। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी। जब तक तुम मिलोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। लेट मत करो, जाओ। अरे रे 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 रे, हैंडसम लड़का आ गया। आजा 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 आजा। अरे आजा ना, चल बहुत हो गया तेरा नाटक, आजा चल। आंटी ये वीआईपी नंदू, दिन भर दारू पीता रहता है, अपनी शादी का कार्ड सबसे पहले इसे ही दूंगा मैं। वीणा हमारे घर में कोई आया तो हम उसे पानी देते हैं ना? देते हैं कि नहीं देते हैं? और पसंद ना आए तो? सुन तेरी औकात मुझे पता चल गई, चल जा। चाहे कुछ भी हो जाए शादी तो मेरी ही होनी है। ऐसी बात नहीं है राणा जी, मैं एक बार आके आपके पिताजी से बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, पापा खुद ही यहाँ आकर के बात कर लेंगे आपसे। अगर कुछ गलत हुआ तो राणा बाबू क्या ये भी पता चल जाएगा? वहां रख दीजिए। मैं यहां पर क्यों आया हूं और यह सब क्या है आप लोग समझ गए होंगे। मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। वैसे मुझे तो तुम लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने में तकलीफ हो रही है, लेकिन करूं तो क्या करूं। अगर बेटे की बात नहीं मानूंगा तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसे काटना पसंद है। तुम अपनी बेटी को कैसे समझाओगी यह तो मुझे नहीं पता है। तुम्हारी एक ही बेटी है, जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना, वरना ठीक नहीं होगा। मैं तेरे लिए ही जी रही हूँ बेटी, तुझे जो नहीं पसंद है वो मैं नहीं करूंगी, चाहे तो हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसी गलती नहीं। मम्मी एक बार फोन दो ना, मैं गेम खेल कर दे दूंगी। ए और कितना गेम खेलना है, जब देखो गेम खेलती रहती है, चलो जाकर पढ़ाई करो। चीजा जी गांव जाने का दिल कर रहा है। अब क्या हुआ ऐसे अचानक से? पता नहीं क्यों दीदी लेकिन जाने का दिल कर रहा है। जाने का दिल कर रहा है तो सोच क्या रहे हो, चले जाओ। यार
एक बार फाइनल जाके वीणा से तू मिल लेगा तो अच्छा रहेगा, जाना। अरे वो बात नहीं है यार, मुझे नहीं लगता वो मेरी बात समझेगी। यार ऑटो में मैंने उस दिन जो बोला वो भी नहीं समझी। अब तूने क्या बोला? बोल क्या बोला तूने? अरे मैंने कुछ नहीं बोला, इसने जो कहा बोल दिया। मैंने क्या कहने को बोला था? अरे तूने कुछ नहीं बोला, अब उसने बोला। बोल क्या बोला? तूने क्या बोला था? तू छोड़ मुझे, तू गांव चला जा। बताओ तूने क्या बोला? बता जल्दी क्या बोला था तूने? बोल क्या बोला था? बताओ नहीं तो जान से मार दूंगा। बता क्या बोला था? क्या बोला उसे तूने? बताओ नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। बता जल्दी क्या बोला था उसे? बोलना क्या बोला था उसे? बताओ नहीं तो जान से मार दूंगा। बताता है या नहीं? तुझे क्या लगता है कि मैं उसे अपने हाथ से जाने दूंगा? रही बात वीणा की, उसे तो मैं प्यार करता हूँ, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उससे कर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चल निकल, जा यहाँ से। याद रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जा। यार दोस्ती के नाम पे कलंक है तू, चंद पैसों के लिए ये सब कुछ किया। यार तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो यार? इसे बोल के यहाँ से चला जाए। यार तू जा यहाँ से, जा, चल जा यहाँ से, जाओ वरना मारूंगा। तू मेरी बात सुन, पहले चलकर उससे बात करते हैं, चला जा बेवकूफ। क्या रे, आ गया? आ गया, तेरे को वीणा चाहिए? जा अंदर बैठिए, जा जा जा। अबे काजू क्या देख रहा है? वीणा, 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 वीणा। आजा 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 आजा, मुझे पता था तू आएगा और उसके बारे में पूछे और वो आकर के तुझे सीने से लगा लेगी। मुझे पता है तुम्हारी लव स्टोरी, इसीलिए मैंने उसे दूर भेज दिया है। अगर वीणा से मिलना चाहता है तो 2 दिनों के बाद हमारी शादी है, एड्रेस तुझे व्हाट्सएप कर दूंगा, हाँ? और गिफ्ट लाना मत भूलना बिल्कुल। सुन, इसे अच्छे से ले जाना, जिम्मेदारी तुम्हारी है। और सुन, शादी के कार्ड में थोड़ा सा चेंज है, प्रेमी प्रेमिका को बड़ों का आशीर्वाद मिले, ये लाइन जा करके तुम कार्ड में ऐड करवा देना, ठीक है भाई? अब सुनने में अच्छा लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा? अबे यहाँ पर क्यों आया है तू? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? राणा ने लड़की को छुपा दिया है, वो उससे शादी करना चाहता है। यार सुनना, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था ये सच्चा प्यार करता है, गलती हुई मुझसे, गलती हुई, लेकिन तुम लोग उससे क्यों डर रहे हो? वीणा को सच्चाई मैं बताऊंगा। अरे यार तू सोच क्या रहा है, कुछ तो बोल, कुछ कर यार। हाँ यार, हमें कुछ करना होगा। जान से मारेंगे और वीणा को हम ढूंढेंगे। हाँ बिल्कुल। Yes! Yeah. Yeah.
नंदू नंदू कहाँ छिपा के रखा है उसे? मैंने कुछ नहीं किया, क्या बता रहे? भाई भाई जो बोल रहे वो सच है, हमें सच में कुछ नहीं पता भाई, छोड़ दो भाई। वीणा मेरी है, अगर उसे कुछ भी हुआ ना। अरे रे, राणा पता नहीं खुद को क्या समझता था, दो हाथ तूने खींच कर क्या दे दिए, डर के मारे तो उसकी सिट्टी बिट्टी ही गुम हो गई। अब ये बता कि वीणा का पता कैसे लगाएंगे? यार एक काम करते हैं, जीजा जी से हेल्प लेते हैं। क्या बोला? नहीं रहने दो। अरे मेरे भाई पहली बार तूने एकदम सही बात बोली है। सुन मेरे भाई, इस वक्त जिया जी के अलावा कोई हमारी मदद नहीं करने वाला, प्लीज। क्या हुआ, तुम तो गांव जाने वाले थे ना? जीजा जी आपसे एक बात करनी है। पहले पानी पी लो। कोई इतने प्यार से दे रहा हो तो मना नहीं करना चाहिए, पी लो यार। जीजा जी मुझे सब कुछ पता है नंदू, तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं तो इसके पीछे जरूर कोई लड़की होगी। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? पी लो। ऐसी परिस्थिति में इन्हें उस घर में रखना खतरनाक था, इसलिए इन्हें यहाँ लेकर आ गए। अब से वीणा तेरी है। जीजा जी। अरे रे, मेरे पैर नहीं, मेरे पैर छूने से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे अपने सासू माँ का पैर छू। सासू माँ? अरे बेटा उसके लिए बहुत टाइम है, पहले सगाई होगी, शादी का मुहूर्त निकलेगा, उसके बाद ही। तू अभी तक नहीं सुधरा? हाँ? अबे कम से कम अब तो तू प्रपोज कर दे। अरे देख क्या रहा है, करना। एक्सक्यूज मी। हाँ? पहले आप ये बताइए कि मैं आपको टीचर बुलाऊं या मामी बुलाऊं? टीचर ही बुलाओ, क्योंकि कल से वापस हमें स्कूल ही जाना है। ठीक है।